हरियाणा में 90 सदस्यीय विधानसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में अपने बूथ पर सबसे पहले वोट डाला। सीएम नायब सिंह सैनी ने भी नारायणगढ़ में मतदान किया। उधर शूटिंग प्लेयर्स और ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर और पूर्व रेसलर विनेश फोगाट ने भी मतदान किया। मनु ने झज्जर में बताया कि मैंने पहली बार मतदान किया और सभी मतदाता सही कैंडिडेट चुनकर वोट डालेंगे। इस चुनाव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के विनेश फोगाट के अलावा जेजेपी के दुष्यंत चौटाला समेत कुल 1031 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। इनमें 464 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने वोटरों से मतदान की अपील की। देखिए, अब ये कहानियां घड़ने की स्वतंत्रता सबको है, चाहे वो जनता हो, चाहे नेता हो, चाहे मीडिया हो, सब घड़ते हैं और ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, जनता के मन में क्या है ये बात सब जानते हैं, आप जानते हैं, हम जानते हैं, जनता भी जानती है। 8 तारीख को सायंकाल तक, दोपहर तक ही इसका सारा परिणाम सामने निकलेगा, तो आपको पता लगेगा। माँ के नवरात्रि भी चल रहे हैं, जिस प्रकार से हम अपने पर्वों को मनाते हैं, ये लोकतंत्र का पर्व भी ये हमें मिलकर के मनाना चाहिए। और मैं आग्रह सभी हरियाणा प्रदेशवासियों से करूंगा कि अपना कहीं पर भी है, वोट जरूर पोल करें, 100% मतदान हो। ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, लोकतंत्र की मजबूती भी है। मेरा हरियाणा प्रदेश के सभी नागरिकों से, क्योंकि राष्ट्र मजबूत हो, प्रदेश मजबूत हो, उसको लेकर के हमने ये विकसित हरियाणा, विकसित भारत, और उसको लेकर के हम अपना वोट पोल करें, मेरा यही आग्रह है। और आने वाले समय के अंदर, क्योंकि लगातार जब मैं प्रचार के लिए जा रहा था, पूरे प्रदेश के अंदर घूमा हूं, हरियाणा प्रदेश का एक मूड स्पष्ट नजर आया है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मार्जिन के साथ बन रही है और 8 तारीख को नई सरकार का गठन हो जाएगा, ये हरियाणा के लोगों ने तय कर लिया।